और आप रुके हैं रास्ते में हम कहीं, कोई फूड कोर्ट है, और इस रास्ते में काफ़ी सारे फूड कोर्ट आते हैं, एक नहीं है, एक में से मतलब हर चीज़ मिलती है यहाँ पे खाने के लिए, डोमिनो सब है। जा ले लिया, पैक करा लिया और निकल रहे हैं आगे। फिर हम आ गए हैं अपने मसूरी होटल में। ये तो दो बेड वाला लिया हमने, और अच्छी बात यह है बच्चा बड़ी यहाँ सो जाएंगे, हम यहाँ सो जाएंगे, और व्यू बड़ा अच्छा है। भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, और नीचे पूरी माल रोड है, बिल्कुल माल रोड के सामने ही है हमारा होटल। सामने क्या, साथ में ही है, माल रोड पे ही है। ये क्लार्क होटल है, उसके सामने ही है। इसका नाम है द हैमर इंटरनेशनल, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपको। यहाँ मिला 5,000 रुपये का एक दिन का। अब जाएंगे नीचे, थोड़ा मॉल वॉल घूमेंगे, मॉल रोड खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, और तैयार हो गए हैं। रात हो गई है, होटल का रिसेप्शन है। ओह माय गॉड, बड़ा ज़्यादा रश हो रहा है। हर जब रश है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हर जी रश है, रश बहुत है यार। चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड। बहुत लेट हो गए यार, 9 घंटे लगे। और जब कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे भाई हमें आज। अरे यार गाने बड़े तेज चल रहे हैं पब में, फन फॉक्स। आगे देखते हैं फिर कौन सी गेम्स हैं यहाँ पे। अरे सारी गेम्स हैं यहाँ तो, कुछ खाना वाना कुछ ले ले। पाव भाजी, स्प्रिंग रोल्स, अल्ट्रम बल्ट्रम है यहाँ पे। मम्मी क्या है, मम्मी आ गए, मम्मी मोती महल डिलक्स, और ये कल सांग चाइनीज। ये बहुत ही पुराने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। क्या शॉपिंग करी आपने, कुछ नहीं करी, जल्दी करो जल्दी करो, खाने बंद होने वाली हैं फिर। काफ़ी अच्छी शॉप है यार माल रोड पे, और यहाँ पे एंटीक सामान मिलता है जैसे ना, ये ऐसे ऐसा आपने यादगार के लिए घड़ियाँ वड़ियाँ सब लेके जा सकते हैं यहाँ से। ये पहले निकल गई थी शॉपिंग करने अपनी, क्यों 5 मिनट का, 1 घंटा लग गया। और हम यहाँ व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं ऊपर कितनी अच्छी अच्छी लाइटें जल रही हैं वहाँ पहाड़ों के ऊपर। नज़ारा बड़ा जबरदस्त है भाई साहब, पूरा देहरादून नजर आ रहा है मुझे यहाँ से। फोटोग्राफी हो रही है, और हाँ अच्छा खींचा है यार, है ना, सही है। यहाँ पे पॉपकॉर्न शॉपकॉर्नस हैं, और ये व्यू है पूरा मसूरी का, देहरादून का। घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, रश तो हो रहा है यार, नो डाउट रश तो है। ये माल रोड पे ही अभी हम, और यहाँ से हमने कुछ मंगवाया आंटी से। क्या लिया भाई, ब्रेड ऑमलेट, हाँ टेस्ट फ्रूट सलाद भी है इनके पास। मसूरी क्वींस ऑफ हिल, अब नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, पर यही दिखा रहा। बोल वही प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली जाते तो सब भूल जाते। स्कूटर चलते रहते हैं यहाँ पे बड़े सारे, पता नहीं स्कूटर के बोला, स्कूटर ही बंद कर देना चाहिए, वॉकिंग सीट है तो वॉकिंग करें। और ये है वाइन शॉप, रश देख लो आप कितना वाइन शॉप है, 11 बजे तक खुली रहती है। हाँ जी बोलो, कहाँ चलना है फिर, एक्शन कैमरा हो गया सब, उस साइड आएंगे कहाँ खाना जी, इधर चलो चलते। मई का टाइम है, और मई जून के अंदर तो काफी रश रहता है, और यहाँ पे आप ऐसे ही आइटम वाइटम ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यार खुला रहेगा सर 11 बजे तक आए, क्यों जीरो पॉइंट पे कार की चाबी निकाल के कौन लाया? देखो पुलिस वाले पीछे बड़े हुए हैं, टाइम के 10 बज चुके हैं, काफी रश है, मतलब कहने का मतलब लोग रश देखने तो आते हैं, करना क्या है। असूरी लाइब्रेरी, भाई रुक जा, भाई रुक जा, वीडियो बनाने दे यार, ब्लॉग बनाते हैं मुझे। और ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, मैं यहाँ पे रोटी वोटी खाते हैं और बताते हैं कैसा है, रिव्यू बताते हैं। और हम बैठ चुके हैं, लाइव म्यूजिक भी चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ जी सर ठीक है, एंजॉय अच्छा है, नहीं पहला नशा फिर अच्छा रेस्टोरेंट है, नाम मैंने आपको बताई दिया है। आ गया चिकन मलाई टिक्का, और मेन कोर्स भी आ चुका है हमारा,
और मेन कोर्स बटर चिकन है, दाल मखनी है। खाना ना बच्चे बता देंगे वो कैसा है। अच्छा ही होगा यार, बढ़िया। अभी हम खड़े हैं लाइब्रेरी चौक पे और नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा पर बहुत अच्छा नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अब 11 बज चुके हैं मसूरी मॉल रोड के अंदर और सब खुला हुआ है यहाँ पे, है ना, किया है ना अभी, और ट्रैफिक भी खुल गया है मॉल रोड। फुल मजे कर रहे हैं यहाँ पे मसूरी मॉल रोड पे। मैडम बताएगी क्या कर रही है। ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। 11 बज चुके हैं यहाँ पे, एसी की जरूरत नहीं है। क्या बोलूं और समझ नहीं आ रहा, बता दो। बोल अच्छी है, ठंडी हवा आ रही है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, दिल्ली में तो एसी भी नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ तो ठंडी हवा आ रही है। यहाँ वैसे ही एसी चल रहा है अपने यहाँ भी, नेचुरल एसी चल रहा है। 11:30 बज चुके हैं और भाई साहब की सूट की शॉप अभी तक खुली है। मतलब कहने वाला लेडीज वेडीज आए तो शॉपिंग कर सकते हैं 11:30 बजे। क्यों इस टाइम तो सारे जेंडर सो गए हैं। हाँ पर ये शॉप खुली है लेडीज की, ये ही खुली है पूरी मार्केट। और मैडम लेके रहेगी, देखिए ना। नहीं लेंगी, मैं देख लेंगी। और रात के 12 बज चुके हैं और मसूरी नाइट लाइफ चल रही है और जबरदस्त, मतलब काफी लोग खा पी रहे हैं यहाँ पे और दुकानें भी काफी खुली हुई हैं। हमारा होटल तो बिल्कुल सामने ही है, वो सामने वाला ही है ऊपर सामने। चलो जाके, अब नींद आ रही है, थक गए, सो जाते हैं। चले फिर होटल चले, चलते हैं यार, हैं। हाँ थक गए, सुबह मिलते हैं आप लोगों से फिर। और होटल के सामने हमारे शॉप्स हैं। होटल में आपको बता दिया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। द होटल हैमर्स इंटरनेशनल, ऊपर 3rd फ्लोर में हमारा कमरा है। कैसे क्या है, पहले चला गया। हाँ जी सर, सुबह के बज गए 9 और हम आ गए हैं थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और ये देखो, ये देखो सारा मसूरी का, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं माल रोड पे। अभी शॉप्स खुली नहीं है, खुल जाएंगी धीरे धीरे। सब लोग आ जा रहे हैं, सुबह में ट्रैफिक चलता रहता है मसूरी के अंदर, तो हैपनिंग प्लेस है ना। चाय कॉफ़ी अटरम बटरम, लवली आउटलेट सेंटर, बड़ा फेमस बनता है ये। रात को यहाँ मेला लगा रहता है यहाँ पे तो ना पूरा। पहुँच गए हैं हम सैंडोज, खुला हुआ है सैंडोज भी। दिल्ली के छोले भटूरे, क्या बात है भाई। हर्षी यहाँ छोले भटूरे खा लेंगे, क्या कहते हैं सैंडोज के, हैं खा लेंगे। तो देखो छोले कुलचे देखो जबरदस्त बन रहे हैं, हैं पास से यम्मी यम्मी छोले कुलचे। अब वॉक करने के लिए उस तरफ जाएंगे यार, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ। कई फीचर्स हैं, आराम आराम से खुलते हैं इंस्टाग्राम में। कुछ खुले ना खुले पर ये चीज़ खुल जाती है सुबह सुबह, सुबह 8 बजे खुल जाती है। और जाम देख लो भैया मसूरी के अंदर, तो अब ये 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा छुट्टियों के अंदर। और रेंट पे आप बाइक वाइक ले सकते हैं यहाँ पे, सब है इनके पास, बुलेट शुलेट स्कूटियाँ। ये नंबर ले लो, माल रोड के साथ ही दुकान है इनकी रेंट वाली। अभी हम ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं मसूरी माल रोड से, थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो ये मसूरी के बैक साइड है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, पर ग्रीन है और घर तो बने ही हैं पुराने स्टाइल के सारे, ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे देखो। चलो चलते हैं ऊपर फिर, चल सांस चढ़ रहा थोड़ा सा। चलें भाई चलें चले, आओ जी आओ। थोड़ा ऊपर आ गए हैं तो यहाँ पे आप देखो ये जगह आ सकते हैं। पहले टेंपल है, फिर मस्जिद है, फिर गुरुद्वारा है, बाजार बुजुर्ग सब है यहाँ पे। अब माल रोड से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, पुराने पुराने घर बने हैं ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर ऊपर तो आ चुके हैं हम। चलते हैं यार, वॉक करेंगे तो 1-2 घंटे वॉक तो करेंगे करेंगे। सांस चढ़ रहा है बड़ा तेज, सांस चढ़ रहा है। हाँ भाई सांस ही चढ़ रहा है। अरे यार इसको नहीं चढ़ रहा, मुझे तो बहुत चढ़ रहा है। छपड़ी में बैठ गए हम, गाड़ी हो रही है हमारी बड़ी जबरदस्त। ओ माय गॉड, पर नज़ारे बहुत अच्छे हैं यार, ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। हाय करेंगे यार, जितनी हिम्मत है करेंगे सर। और एक और पॉइंट आ गए यहाँ पे देखो, ये तो मजे है सुबह मॉर्निंग वॉक करने के। यहाँ बैठो आराम से, आवाज़ गूंज भी रही है। यहाँ पे है दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट डोमास, और बहुत हेल्दी, क्या कहते हैं, सैर वैर कर ली है। अब थोड़ा जंक फूड भी खा लेते हैं, छोले भटूरे। कैसे हैं मैडम,
और भी पड़े हैं साइड में इतने सारे, मजा आ रहा है क्यों? गर्मा गर्म है गोटिया मार्केट, लेडीज मार्केट मोस्टली। ये है जी गोटिया मार्केट, ये तो छोटी सी भी है, आगे जाओ ना तो आगे भी बहुत काफी दुकानें हैं। जवाहर एक्वेरियम रिसेप्शन एंड एंट्रेंस, एंट्री टिकट 30 रुपए। चलो जी देखते हैं क्या चीज है। इसे गोदामी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आपके पीछे रेडली है, इसे ब्लैक पॉइंट से बोलते हैं। अच्छा, ग्लो कर रही है ना, इसे गोल्ड फिश बोलते हैं। गोल्ड फिश, ये रेनबो फिश, ये पैरेट, ये पैरेट फिश है, ये वो रख रख के। अच्छा ऊपर भी है, अच्छा अच्छा, चलो ऊपर चलते हैं फिर। हो जाएगी ना इधर एक साइड, तो हम अपने वाली ऑस्कर आ गया जी। ये ब्लैक वाली कितनी सही लग रही है, छोटी है, ठीक है। वो आए थे एक्वेरियम में, कैसा था भैया एक्वेरियम? अच्छा था, बढ़िया था, सिंपल और छोटा। जिंदगी में कभी मछली नहीं देखी, यहाँ देख ले, बस इतना ही है जान इसके अंदर। और हम आ गए हैं ट्रॉली पे, ट्रॉली ऊपर जाती है। चले भाई, कितनी टिकट है? 220 रुपए की टिकट है, ऊपर लिखा है टिकट प्रति सवारी 220 रुपए। और आगे ट्रॉली हमारे पास, चले 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 नहीं, टिकट बड़ी सस्ती रखी है, टिकट सस्ती है 220 में, और क्या लोग है? आना जाना 220 में। भैया ने कहा था सारे ग्लास गिरेंगे तो 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है। हाँ। इसने पहला अटेम्प्ट लिया, नहीं गिरे, 50 रुपए कट गए। हाँ। दूसरा अटेम्प्ट मैंने सारे गिर दिए, तो 200 गेम भी फ्री हो गई, 100 भी कमाए। ओ भाई साहब, भैया अपने चश्मे से दे रहा है, क्या बात है यार, तू तो लुट गया। पर मुश्किल है क्या यार जी, यार ऑनेस्ट भैया, भैया ऑनेस्ट है, भैया ने 100 रुपए दे दिया। अच्छा एक और स्कीम है, अगर बुलजाई पे लगेगा, मतलब 100 रुपए नाम है, चार बार मारोगे तो 400। अच्छा है ना, बोला। चलो अब मसूरी को बाय बाय कर रहे हैं और नई जगह पे जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा चाय वाय पीने का मन कर रहा है तो रुके हैं यहाँ पे। नजारा जबरदस्त पहाड़ों का। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं धनौल्टी, ये अंदाजा 25 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे है इको पार्क, पता करते हैं किसी से और क्या क्या चीजें देखने के लिए। इको पार्क धनौल्टी, इसके टिकट है 50 रुपए पार्क के अंदर जाने की। पहाड़ के ऊपर पार्क बना रखा है, क्या लग रहा है यहाँ पे है? समझ नहीं आ रहा, पर नजारे अच्छे हैं, बड़े हरियाली है, बढ़िया इको पार्क बना रखा है इन्होंने पहाड़ के ऊपर। और कुदरत के नज़ारे हैं, बस ये नज़र आ रहा है अभी तक तो। ऊपर चल रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, वॉक खाली लोग तो हैं, खाली है, खाली है, मतलब किसी को पार्क का बहुत शौक है ना, रुक तो आ सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट पे चलते हैं फिर। रिस्क तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, इसमें पकड़ के जाना, पकड़ के आना है क्यों? और ये जिप लाइन है, अब शायद नजर आ रही है वहां तक जाएगी जिप लाइन, 150 रुपए चार्ज है इसका। ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं काफी ना, ऐसे ऊपर चढ़ने वाला है। और इसके जो है वॉकिंग के 100 रुपीज चार्ज है, यहाँ से आप 100 रुपीज दे सकते हैं और इसमें वॉक कर सकते हैं नेचर के अंदर। बहुत ही जबरदस्त माहौल है यहाँ पे ना। हम ऊपर जा रहे हैं थोड़ा पहाड़ी के ऊपर, माउंटेन से व्यू देखेंगे पूरा। सुबह भी वॉक कर ली, अब दोबारा धनौल्टी में वॉक कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं पहाड़। तेरी सांस चढ़ी, अरे यार बस कर यार, थके यार रहने दे अब। ये तो चढ़ रहा है लड़का, भाग रहा है बड़ा तेज। पहुंच गया धनौल्टी के टॉप पर, और मुझे लग रहा है अब ये वीडियो यहाँ बंद कर देना चाहिए। और ये व्यू है, चलो अब ये ब्लॉग बंद कर देते हैं, मसूरी उत्तराखंड का व्लॉग बंद कर दें भाई। कर दो जी, कर दो, कर दो। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए जो हम घूमे आपको दिखा दिया आपको हमने, क्यों जी, क्यों जी? पेट खराब हो गया भाई साहब का, गोली लिया हम रोड पड़े थे, क्यों भाई? कहानी बताना अपनी जरा। अभी ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा, अभी वोडका पी है, ठीक हो जाएगा क्या? नींबू पानी। और मैडम
छल्ली कैसी है? हम खा रहे हैं छल्ली। कैसी है? अच्छी है। मीठी कॉर्न वाली छल्ली थी, बहुत टेस्टी। स्वीट कॉर्न।